यहाँ से पढ़ता है रॉयल स्कूल। अरे भाई चलो एक बार दिखा ही देते हैं आपको आज भी कितनी सजावट है। थोड़ा सा एक्चुअली लाइट लगी है ना, तो लाइट लगी है तो देख के अच्छा लगता है मेरे को और आपको भी देख के अच्छा लगेगा। कभी कोई जबलपुर के बाहर से देखेगा उसको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि देखो 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 कैसी सजावट होती है जबलपुर में। बताया ना, वो भाई से बात हुई थी ना मेरी, तो वो बोल रहे थे कि नवरात्रि का कॉन्सेप्ट जब आया तो डीजे का कॉन्सेप्ट लाए थे जबलपुर में सबसे पहले। हम ही लोग जब देवी जी को लेने गए थे तो पहली बार जबलपुर में डीजे लेके गए थे देवी जी को लेने। तब सबको लगा था कि अरे भाई ये क्या हो गया, डीजे लेके जा रहे देवी जी को लेने, बढ़िया गाना बजाते हुए। उसके बाद से फिर सबने कॉपी किया, रायपुर में, दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में, मतलब सब जगह कॉपी हुई थी। लेकिन कॉन्सेप्ट लाए थे हम जबलपुरिया वाले। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि जबलपुर कहीं ना कहीं पीछे अपना हाथ खींच रहा है इस मामले में। रीज़न ये है शायद बढ़ती हुई महंगाई, समितियों के पास उतना बजट नहीं है, उस लिए भी। तो अभी यहाँ पे सजावट हुई नहीं है, सजावट होगी तो हम एक बार और आएंगे। देवी जी की स्थापना तो खैर हो चुकी है, तो जबलपुर पीछे ना हो, मतलब कहने का कुल मिला के ये है कि अगर आपके पास बजट है तो करिए, क्योंकि अब रायपुर बहुत आगे हो चुका है सीजी के जितने मान के चलिए सिटीज़ है ना। अच्छा वो लोग तगड़ा भिलाई भी ले लीजिए आप, तो बढ़िया सजावट कर रहे हैं सब चीज़। गणेश जी में चाहे देख लीजिए, थनौद है ना, चाहे दुर्गा जी में, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का वो लोग सजावट और तैयारियां कर रहे हैं। हम लोग भी खैर पीछे नहीं है, मैं बता रहा था ऐसे ही। वो भाई मेरे से बात कर रहे थे इंस्टाग्राम में, तो मैंने आपको बताया क्या सजावट है। माई, मेरी माई के लिए है सजावट सब। जहाँ जहाँ देवी जी बन रही थी सारे पंडाल खाली हो चुके हैं। और जब मैं देख रहा हूँ तो कितना, मतलब मेरे को थोड़ा सा पंडाल देखने में अजीब लग रहा है। रीज़न ये है क्योंकि कितना माता रहती थी, कितना खेला खेला लगता था पंडाल। अभी एक भी देवी जी नहीं है वहाँ पे, पूरा खुल गया है पंडाल, यहाँ वहाँ बांस पड़ा हुआ है। देवी जी के रहने से कितनी रौनक थी पंडाल में, और देवी जी वहाँ से उठ के अपने स्थान पर विराज गई हैं। तो देवी जी जहाँ विराजी हैं वहाँ पर रौनक हो गया है, और पंडाल जहाँ पे देवी जी जा चुकी हैं वहाँ पे थोड़ा सा मतलब खुशियाँ चली गई हैं वहाँ से, अपनी जगह से जहाँ देवी जी बन रही थी। यही बोलते हैं कि लड़कियाँ भी जब घर से विदा हो जाती हैं ना, तो कहीं ना कहीं घर की खुशियाँ थोड़ी बहुत फीकी हो जाती हैं। सच में लक्ष्मी का रूप ही होती हैं यार, सच में लक्ष्मी का रूप होती है। इसलिए बोलते हैं कि इज्जत करिए, कभी भी किसी लड़की के साथ बदसलूकी ना करें, लक्ष्मी का रूप है वो, और अपने आप में देवी भगवती हैं। वाकई में देवी भगवती जी, मैंने आज पंडित जी से सुना था, पंडित जी आते हैं कहीं, मैं कभी कभी सुनता रहता हूँ, कोई कोई वीडियो देखता रहता हूँ, तो उसमें पंडित जी बोल रहे थे कि माँ देवी भगवती ने किसी से तो कुछ तो चैलेंज की थी कि जो मुझको रण में हरा देगा, सोचिएगा सुनिएगा आप, जो मुझको रण में हरा देगा। ये अपनी दादा दरबार की अभी तैयारी हुई नहीं है मेरे को लगता पूरी, मतलब मूर्ति तो तैयार है लेकिन अभी सजावट अभी बाकी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी खुली खुली यहाँ पे दिख रही हैं। अभी बात में जो आपसे कर रहा था ना देवी भगवती जी की, आगे करूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए अभी थोड़ा सा वो पूरा बांस वांस दिख रहा है, दीवार दिख रही है ना, तो अभी सजावट हुई नहीं, क्योंकि सजावट होती है लाइट जलती है, थोड़ा डार्क थीम लगाते हैं भैया यहाँ पे दादा दरबार में। अभी तो भैया थोड़ा सा रास्ता चल फिर रहा है, अभी स्नेह नगर की जब महाकाली जी का यहाँ से आगमन हुआ था तो रास्ता ब्लॉक हो गया था। पाँचवें दिन तक जाते जाते आप देखिएगा रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ये अभी देखिए पूरा बांस वांस दिख रहा है ना आपको। एक काली जी यहाँ सामने रखी हैं, एक काली जी वहाँ छोटी सी बाल रूप में भैया के बच्चे बनाते हैं रखी हुई हैं। ये भैया हैं मेरे सामने, लाल शर्ट जो पहने हुए हैं, और यहाँ सब पर्दा वर्दा भी लगा हुआ है, मतलब रखा हुआ है। अभी पर्दा आज लग जाएगा, लाइट्स आज लग जाएंगी, तो जितना भी अगल बगल में दिख रहा है ना बांस या फिर ईटा वो सब ढक जाएगा, कल से सारी चीज़ें ढक जाएंगी तो दिखाई नहीं देंगी। क्या नाम है आप लोग का? मेरा नाम प्रेयस है। और भाई का? ये मैं तो उसी गाड़ी में लगा ना। कहाँ पे? काली जी बना रही थी यहीं पर। याद नहीं है मुझको। अरे यहीं पर जब काली जी बन रही थी आप आए थे दोपहर में। अच्छा हाँ। अभी ये पूरी सजावट कब तक होगी इसमें? देखते हो मेरी वीडियो? हाँ भैया आप ही की वीडियो देखते हो। तो मैं क्या बोलता हूँ करने के लिए, करते हो कि नहीं करते हो? पढ़ते हो सही में? कहाँ है आप लोग का घर? मेरा घर थोड़ा सा आगे
सही में पढ़ते हो ना कि झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ ठीक। हाँ कब से पढ़ रहे हो? दो महीना। गजब। आप? बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहो, अच्छे से मन लगा के पढ़ो और हमेशा मम्मी के पैर छुआ करो, ठीक है? मिलते हैं, श्री सीताराम। देखते हैं यहाँ कहाँ। तो अभी आप लोग घूम रहे हो, एग्जाम हो गए आप लोग के? क्या बड़े हो के क्या बनोगे? और आप? अरे वाह, इंग्लिश मजबूत करना पड़ेगा। मिलते हैं फिर, बाय बाय श्री सीताराम। यहाँ भी देवी जी रखी गई हैं। यहाँ लास्ट के लास्ट ईयर केदारनाथ बना था आई थिंक, लेकिन सजाएं देखिए अच्छा है, पूरा थर्माकोल से बाहर सजाए हैं। और बड़ी मूर्ति रखते हैं, इस बार भी बड़ी मूर्ति रखे तो हुए हैं। चलो मैं आपको दर्शन करा ही दूँ, गाड़ी किनारे लगा लेते हैं क्योंकि मेन रोड पे हैं देवी जी और काफ़ी अच्छी प्रतिमा है, देख के समझ में तो आ रहा है शेर। और देवी जी का चेहरा हल्का हल्का सा यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। अभी सजावट पूरी नहीं हुई है क्योंकि जो यहाँ पे गेट के पास लकड़ी लगी है तो लकड़ी ही लगी है, अभी बिछाया जाएगा यहाँ पे और उसके बाद पूरी सजावट होगी। देखिए आप, काफ़ी बड़ी मूर्ति है, लगभग 9-10 फीट के आसपास होगी और सजाया अच्छा। चलिए जी, मैंने आपको देवी जी के दर्शन तो करा दिया। पता नहीं मुझको याद है कि नहीं, मैंने फ़ोटो लिया कि नहीं लिया, एक बार और ले ही लेता हूँ, फ़ोटो का मुझको याद नहीं है। बाहर से ही फ़ोटो ले लेता हूँ, लिया था फ़ोटो, याद आ गया, क्योंकि भूल इसलिए गया था ना मैं, क्योंकि जब मैं गया था वीडियो और फ़ोटो लेने तो वहाँ पर कोई खड़ा था सामने, तो 5-10 मिनट रुकना पड़ा था, उसके बाद मैंने फ़ोटो कैप्चर किया था, तो मेरे को याद नहीं था। कैमरे की बैटरी भाई 31% हो चुकी है। बैटरी इतनी जल्दी जल्दी नहीं, देखो बैटरी ख़त्म हो रही है दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि उतनी जल्दी ख़त्म हो रहे हो, चार्ज भी तो हो, चार्ज होएगा 2 घंटे में और ख़त्म होने को कहो 1 घंटे से भी कम लगाएगा। ऐसा नहीं कि मैं, अब देखो लगभग मैं 5:30 बजे का निकला हूँ, ठीक है 8 बजने वाला है, अभी तक मैं कुछ खाया भी नहीं हूँ, कृष्ण जी का मंदिर, तो मतलब ऐसा भी नहीं कि रेगुलर ही चला रहा हूँ, बीच बीच में मैं बंद कर रहा हूँ फिर चला रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ फिर चला रहा हूँ, उसके बाद भी अभी 31% पे बैटरी आ चुकी है। भूख लग रही है यार, पूजा हो रही है यहाँ पे, जय माता दी, कितनी प्यारी लग रही है यार, बहुत प्यारी है माता। चलिए एक फ़ोटो तो कम से कम आपके लिए लेता ही हूँ मैं। सही में कितनी मनमोहक मूर्तियाँ लगती हैं भाई, मतलब दिल से यही निकलता है कि मम्मा आई लव यू मेरी माँ, सच में यही निकलता है यार, कितनी प्यारी। देखो मजबूर हो गया मैं रुकने के लिए, इतनी प्यारी मूर्ति लग रही है ये। साड़ी कितनी अच्छी पहनी है माता ने, हालांकि ये वाली साड़ी जो नॉर्मल मूर्तियां पहनती है वैसी नहीं है, कलर किया गया है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। फोटो लेता हूं। ये माता जी का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सामने सब बैठे थे, फोटो सिर्फ आपके लिए ले लिया हूँ। आगे गढ़ा पुरवा है, गढ़ा पुरवा में भी जब आगमन हुआ था देवी जी का तो मैंने दिखाया तो था आपको, देवी जी के दर्शन मैंने आपको कराया था, देखता हूँ इस बार और करा दूंगा एक बार। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ओ ओ बाल रूप में हैं देवी जी। यही मूर्ति अगर स्माइल कर रही होती ना तो एक अलग मूर्ति लगती, मतलब अच्छी लग रही हैं स्माइल में, और अच्छी आती है माता जी। गाना भी अच्छा बजा रहे हैं वहाँ पे, वैष्णो देवी माता जी का गाना बज रहा है, बहुत अच्छा लगता है यार गाना, वैष्णो देवी जी की गाथा है, वैष्णो गाथा। कभी अगर आपको मन नहीं, मतलब कभी अगर आप नहीं सुने होंगे तो ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पे लिख के सर्च करिएगा माँ वैष्णो गाथा तो आपको मिलेगा, बहुत प्यारा, पूरा वैष्णो जी के बारे में उसी गाने में गाया गया है। कोई भी जैसे शिव गाथा भी है, शिव अमृतवाणी है, राम अमृतवाणी है, ऐसे ही ये वैष्णो गाथा है, जहाँ तक अच्छा है,
ऐसा ही बजरंगबली जी का भी है कुछ, मेरे को याद नहीं है अभी, उनका भी अच्छा है। अरे भाई साहब, बंगाली पैटर्न में है देवी जी। एक समय पे गढ़ा में ना केवल बंगाली पैटर्न में ही मूर्तियां रखी जाती थी, लेकिन अब कहीं 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 दुर्गा जी की रखने लगी हैं मूर्तियां। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ, रुक के। पूजा हो रही है अभी यहाँ भी, लेकिन ये यहाँ पे मेरे बगल में तालाब है। इस तालाब का नाम आपको पता हो तो मुझको कमेंट करके बताइएगा। पहले यहाँ से निकलते थे ना, पिछली बार तक ही शायद, पिछली बार उनको याद नहीं है, थोड़ा सा स्मेल आता था, लेकिन अभी साफ़ कर दिए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा है ये तालाब अभी, और लाइट भी जल रही है तो लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है इसमें, बढ़िया लग रहा है ये। अभी गढ़ापुरवा इस तरफ है, इस तरफ चलें तो आपको कुछ देवी जी के दर्शन, क्या करूँ मैं, चलिए कराता हूँ दर्शन, चलता हूँ फिर वापस इस तरफ भी चलेंगे हम, क्योंकि चलना हमको इसी तरफ है। ये मंदिर तो बहुत खूबसूरत सजा दिए हैं पूरा, बिल्कुल लाइट लगा के और फिर फूल से भी सजाए हुए हैं। सब बच्चियाँ सब बच्चे पैदल निकल चुके हैं देवी जी के दर्शन करने के लिए। पूरी गली ही सजा, अच्छा यहाँ भी अभी पंडाल बन रहा है, अभी बना नहीं है पंडाल। ओह खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है माता, लेकिन अभी चेहरा इनका ढका है, जहाँ तक मेरे को लगता है स्थापना हुई नहीं है माता की। छोटी सी प्रतिमा है लेकिन अच्छी प्रतिमा है, खूबसूरत सी। यहाँ पे भी अभी पंडाल सज ही रहा है। गढ़ा बाजार आ गए आई थिंक हम। ओ भाई साहब, काली जी हैं यहाँ पे, दुल्हनिया रे 9 दिन बनी माँ दुल्हनिया रे। अच्छी शाइनिंग थी काली जी में। अभी हम कितना आगे चलते हैं थोड़ा आगे तक और देखते हैं, क्योंकि फिर हमको वापस जाना पड़ेगा यहीं से गढ़ापुरवा जाने के लिए। अच्छा यहाँ जितनी आगे जाते जाऊँगा ना, अंदर तक भी बहुत अच्छा सजाते हैं। नहीं यहाँ से तो नहीं, ये तो हम वहाँ निकल जाएंगे यार, बड़ा मतलब रेलवे लाइन पे निकल जाएंगे हम। वो दूसरी जगह है जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। अच्छा वो दूसरी जगह है, देखते हैं क्या हो पाता है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, केवल आपको सजावट ही दिखा रहा हूं। नहीं, मैं गलत था, दूसरा ही रास्ता है ये। देखिए ये अभी खंभे लगे हुए हैं यहाँ पे, अभी लाइट्स लगी नहीं है, पंचमी तक लगाएंगे। ये देखिए पूरा तैयार हो रहा है यहाँ पे। अच्छा मूर्ति यहाँ पे भी रखते हैं, पिछली बार कुछ तो यहाँ पे गणपति जी रखे गए थे हिलते हुए, कुछ गणपति जी हिल रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। प्रतिमा स्थापित हो गई है माता की, आई थिंक नया मंदिर बना है क्या यहाँ पे। बहुत खूब, बहुत सुंदर माता है, आरती चल रही है शायद। तो यहाँ पे गणपति जी पिछली बार रखे गए थे, अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके मुझको बताइएगा। कुछ तो आशीर्वाद दे रहे थे ऐसे 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 करके, मूर्ति हिल रही थी, वो अच्छी मूर्ति थी, वो भी अच्छे से रखते हैं। तो पंचमी तक ये लोग समय लेंगे, समय मांग रहे हैं हम सभी भक्तों से कि कृपया हमें पंचमी तक का समय दीजिए, फिर हम आपको सजावट करके देंगे। चलिए हम, ये मंदिर आ गया है, यहाँ से अगर हम राइट जाएंगे तो गढ़ा पहुँच जाएंगे। ये जो तालाब था ना यहीं पे था, अब हम चल रहे हैं गढ़ापुरवा की तरफ। गढ़ा बाजार में भी कुछ बन रहा है, काफ़ी पीछे हैं वो लोग, बहुत समय से ही बन रहा है, मेरे को बताए भी थे कुछ तो बन रहा है वहाँ पे, मैं भूल गया अभी। आपको पता हो तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। तैयारियाँ जारी हैं और पंचमी तक बनेगा यहाँ पे। भाई साहब पिछली बार मैं बोलने वाला था आपसे, बहुत खूबसूरत मूर्ति रखे थे, इस बार भी उतनी ही खूबसूरत मूर्ति रखे हैं, लाजवाब मूर्ति है बिल्कुल।
जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई शब्द नहीं। पार्वती जी हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, देवी भगवती और बजरंग सॉरी शिव जी साथ में, गणपति जी उनके हाथ में हैं और दोनों मम्मी और पापा मतलब शिव जी और पार्वती मैया देख रहे हैं गणपति जी को। क्या मूर्ति है भाई। बहुत खूब मूर्ति है। शीतला माई से आई हुई है ये मूर्ति। सोनू मूर्तिकार आई थिंक वो नाम बता रहा था, कुछ मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि गाना बज रहा था। अभी मैं चल रहा हूँ गढ़ापुरवा में, भी एक मूर्ति जी रखी गई है जो कि गोरखपुर से बनवाई गई है ये मूर्ति। और ये मूर्ति और ये मूर्ति दोनों ही तगड़ी लगी भाई मेरे को, क्योंकि इनके तो आगमन में मैं आया था तो मुझको पता है। बहुत खूब मूर्ति है ये भी। हाँ, नंदी जी पे बैठे हैं, माता बैठी हैं। मैं एक बार और आपको इनका फोटो वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि उस दिन की बात अलग थी, आगमन की आज बात अलग है। देवी जी के गोद में शायद शेर है और नंदी जी पे सवार हैं देवी जी, और बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा इनका तैयार किया गया। काफ़ी खूब मूर्ति है ये, बहुत खूब मूर्ति। हाँ, आपका नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष, किस क्लास में हो आप? मैं ये सेवन। और बड़े होके क्या बनोगे? मैं बड़े होके हाँ क्रिकेटर। हाँ, विराट कोहली को जानते हो? हाँ, सचिन तेंदुलकर को? हाँ, अनिल कुंबले को? किसको? अनिल कुंबले। हाँ, कौन है अनिल कुंबले? बैट्समैन है कि बॉलर है? किस टीम का? नहीं जानते हो तुम। क्रिस गेल को जानते हो? क्रिस किस टीम का है? शाबाश, नहीं जानते हो तुम। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज का है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं। मम्मी के पैर पढ़ा करो डेली। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? चलूं घर अभी? चलूं बताओ, सही में चलूं? झूठ झूठ बोले ना तुम, अभी झूठ बोले हो ना? ये पूर्वा देख झूठ बोल रहा है मेरे से। इसको मैं बोल रहा हूँ कि डेली मम्मी के पैर पढ़ा करो तो बोलता हाँ पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ता है। अभी मैंने बोला चलूं घर, अब से पढ़ना, कल से पढ़ना मम्मी के पैर डेली। ठीक है, अच्छी मूर्ति रखो यार तुम लोग, मजा आ गया। और तुमने आगमन भी बहुत खूबसूरत किए थे, बहुत जोरदार था। अब पता नहीं, मैं तो ज्यादा आगमन कवर नहीं किया, लेकिन कैसी लगी हम लोगों को? बहुत खूब लगी भैया। आप लोग का आगमन भी उतना जबरदस्त था और प्रतिमा भी बहुत जबरदस्त है। आप लोग तो हर बार, पिछली बार भी कुछ नटराज टाइप का पैटर्न में रखे थे ना? हाँ, यहाँ पे हर बार अच्छी मूर्तियाँ रखते हैं, हर बार यूनिक ही चीज देते हैं। हटके प्रतिमा है क्षेत्र में, यहाँ की ये प्रतिमा भी बहुत खूबसूरत लग रही है, वहाँ वाली भी बहुत खूबसूरत लग रही है। दोनों प्रतिमाएं मतलब बराबरी पे ही मेरे को लग रही है, ऐसा नहीं कोई ऊपर नीचे, टक्कर की बहुत खूबसूरत प्रतिमा दोनों। लेकिन यार बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, मजा आ जाता है यहाँ की प्रतिमा देख के, गढ़ापुरवा की। सही बता रहा हूँ मैं? ठीक है, कहाँ ले जाते हो? कुंड में? अच्छा हाँ, यहाँ पे तालाब का नाम क्या है? मशीन लाने का, जेसीबी को लाने का, यहाँ पे जेसीबी करेंगे बनेगा तो यहीं पे। इमरती 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 तालाब। ठीक है, मिलता हूँ, चल बाय बड़े, जय श्री सीताराम। और कल से पढ़ना मम्मी के पैर तुम, सच में पढ़ना, नहीं तो मैं इससे पूछूंगा, ये मेरा दोस्त है, इसको फोन लगा के रोज सुबह उठ के नहा धो के मम्मी के पैर छूना। इसने मूर्ति बनाई है प्रतिमा। हाँ देखा ना भैया, वाह यार, तो मूर्ति बना लेते हो, बहुत बढ़िया यार। ऐसे छोटे छोटे बच्चे कई पंडाल में मेरे को मिलते हैं जो मूर्ति बनाते हैं। आप जब बड़े हो जाओगे तो ऐसी बड़ी बड़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाओगे, है ना? बहुत बढ़िया, चलो मिलते हैं। भाई 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 भाई, नहाते हो ना डेली? अरे बाप रे, 9 दिन नहाते हो? 9 दिन मम्मी के पैर छुओ? पापा के मम्मी के पैर छुए, बस 9 ही दिन? नहीं नहीं डेली डेली। तो हाँ क्यों बोले अभी 9 दिन में? 9 दिन मैंने अभी अच्छे से कर रहा थोड़ा। हाँ, श्री सीताराम, अच्छी मूर्ति है। गढ़ापुरवा, ये बच्चे मेरे को बड़ा प्रेम करते हैं, यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ काफी प्यार दे। दुल्हनिया रे 9 दिन बनी माँ दुल्हनिया रे। अच्छा, अब फिर इस लाइन में जा रहा हूँ, अब फिर मेरे को वापस आना है, क्योंकि मेरे को जाना है दूसरी साइड। मैं केवल दर्शन कराने के लिए ही आपको आ रहा हूँ। अभी मेरा दोस्त बोल रहा था कि यहाँ पे स्थापना नहीं हुई है मूर्ति की, और ये झूले पे रखी जाती है प्रतिमा। भाई साहब, दो प्रतिमाएं हैं,
दो देवी जी हैं क्या ये? एक बार और आना पड़ेगा, झूले पे रखी गई हैं, चेहरा ही ढका है देवी जी का, चुन्नी लगी हुई है, हर साल यहाँ पे झूले पे रखी जाती है प्रतिमा। देखना है अब पंचमी को स्थापना होगी कि आज स्थापना होगी, पता नहीं। दुल्हनिया रे, यहाँ पे अंदर रखते हैं मूर्ति। चलिए शायद एक बार और तो अभी मारना ही पड़ेगा राउंड, तो फिर जो जो मूर्तियाँ, जैसे अगर मान के चलिए छूट जा रही है ना, अरे भाई साहब वो मूर्तियाँ दिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 3, 2, 5 और 1, 6, 6 चेहरे हैं माता जी के, और नीचे शिव जी हैं, और शिव जी के नीचे शेर है। बहुत खूब प्रतिमा यार, दिखाता हूँ आपको अच्छे से, थोड़ा दूर से भी आप देखिए, वैसे तो इसमें दिखेगा नहीं, तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या मूर्ति है भाई, बहुत बढ़िया। हेलो, पहचानते हो मुझको? क्या नाम है मेरा? चैनल देखते भी हैं और नाम भी याद नहीं रहता है। कई बच्चे तो बेवकूफ़ बनाते हैं ज़बरदस्ती सिर्फ वीडियो में लेने के लिए। यहाँ पे अरे भाई अच्छी माता है यार, छोटी सी प्रतिमा है, छोटी सी देवी जी हैं लेकिन अच्छी हैं। शेर तो दो शेर हैं माता जी के, बड़े क्यूट क्यूट से हैं, छोटे से लेकिन गुस्से में हैं। शेर का बच्चा भाई शेर ही होता है, तो छोटा सा शेर है और माता जी। अच्छा, हाथ में भी माता ने शेर पकड़ी हुई है भाई, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत प्रतिमा थी यहाँ पे भी देवी जी की। देवी जी तीन शेरों को साथ में ली हुई हैं अपने। चलिए यहाँ पे आरती हो रही है, जो कि कमल के ऊपर माता विराजमान हैं और माता जी के नीचे शिव जी हैं और शिव जी के नीचे शेर है। अलग प्रतिमा है ये भी। अब इस रूट में तो हम आ चुके हैं यहाँ से, तो आगे आपको मिलूँगा मैं। यहाँ पे भी अच्छी मूर्ति रखते हैं, अभी सजावट चल रही है। क्या खूब मूर्ति रखे हैं ये भाई, हर बार झूले पे रखते हैं, एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत खूब मूर्ति है। दो बहनें हैं माता जी, एक काली जी हैं और एक दुर्गा जी हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बता रहा था ना, बता नहीं पाया था, अब बताता हूँ, मैं भूल गया था। भगवती जो है माता भगवती, उन्होंने किसी से तो कुछ, तो मतलब मैं पंडित जी को सुन रहा था, तो पंडित जी उसमें वो की, उनने बताया कि चलो आज हमसे लड़ाई में जो कोई भी जीत जाएगा मैं उससे विवाह कर लूँगी। माता भगवती ये बात बोली है, लेकिन आप सोचिए साक्षात भगवती से ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान लोग नहीं जीत पाए तो और कौन जीतेगा। सोचिए किस राक्षस में इतनी शक्ति होगी जो माता भगवती से जीतेगा। भगवान विष्णु, मतलब अगर मैं बात करूँ तो भोलेनाथ है ना, इनके हमेशा चरणों में रहते हैं, इनसे कोई नहीं जीत पाया। ब्रह्मा जिस, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश एक प्रकार से सृष्टि के जो रचयिता हैं, वो भी इनसे नहीं जीत पाए हैं, तो कौन जीतेगा आप सोचिए। तो ये माया है एक प्रकार से माता की। बहुत खूब यार, सोच के अच्छा लगता है, सुन के भी अच्छा लगता है, कितनी प्यारी मूर्तियाँ। ऐसे ही एक और मूर्ति कहीं निकली थी, तीन बहनें थीं और एक के बगल में एक चिपकी हुई थी माता जी, ऐसे ही गले से लगी हुई थी, बहुत प्यारी मूर्ति थी। यहाँ पे भी राम मंदिर बन रहा है, अभी आधा तैयार हुआ है, आधा अभी बाकी है। माता हालांकि स्थापित हो चुकी हैं अंदर में, तो वो मूर्ति भी अच्छी थी, तीनों बहनें साथ में थीं। ये अखंड मानस यज्ञ, ये मंदिर है जहाँ पे 24 घंटे अखंड रामचरित मानस चल रही है, पिछले न जाने कितने वर्षों से। अगर आपको पता हो तो आप मुझको वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितने वर्षों से लगातार अखंड रामायण यहाँ पे चल रही है। ये सच में मतलब इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं, और भक्तों का माता के प्रति प्रेम देख के आप फील कर पाते होंगे ऐसा मेरे को लगता है। वैसे थोड़ा सा कम फील कर पाते होंगे आप मेरे से, क्योंकि जब मैं देखता हूँ, जब महाकाली निकलती है एकदम रौद्र रूप, बड़ा बहुत बड़ी मूर्ति रहती है, विशाल मूर्ति जब निकलती थी पंडाल से ना अपने आगमन पे, तो देख के भाई रोंगटे खड़े होते हैं, कसम से आपको बता रहा हूँ। आँख भर आती है कई बार देख के, जो उनके भक्तों का प्रेम रहता है उसको देख के, भावनाएँ देख के। अगर किसी की भावनाएँ दिख रही हैं तो ठीक है, नहीं दिख रही हैं तो खुद के अंदर से भावनाएँ रह रह के छलकती हैं। ये भी मतलब अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है, वाकई में बहुत
बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप, अगर नवरात्रि नहीं घूम पा रहे हैं तो मेरी वीडियो से घूमिए, अगर मौका मिले तो आप ज़रूर निकल के इस एक्सपीरियंस को जिए। देखिए वीडियोस के माध्यम से तो देख ले रहे हैं, लेकिन जो आप यहाँ पे आके देखोगे, जो आप फील कर पाओगे सामने से देवी जी के दर्शन करके, वो आप वीडियो में फील नहीं कर पाओगे। वीडियो तो उसके लिए है कि जो बहुत मजबूर है, नहीं घूम पा रहा है, एक प्रकार से शेड्यूल उसका टाइट है अपने जीवन में, तो वो घूम सकते देख सकता है वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर आप घूम सकते हैं तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगा कि आप बोलने की, कि आप निकलें। और ये 24 फिट वाली माता जी भाई।